हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो सैम्पल पेपर से रिलेटेड रहेगी, और अगर आप 10th क्लास में हैं और आप फाइनल ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसके थ्रू आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है CBSE सैम्पल पेपर प्री बोर्ड पेपर्स एग्ज़ाम 2021 रिड्यूस सिलेबस, क्लिक एनी पेपर एंड डाउनलोड। ठीक है, ये कह रहा है कि आप किसी भी पेपर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें सॉल्व पेपर भी है, अनसॉल्व पेपर भी हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सोशल साइंस के भी हैं। ठीक है, और ये साइंस के थे और ये सोशल साइंस के हैं। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से सारे पेपर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, मैं आपको एक पेपर ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम एक अनसॉल्व पेपर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अनसॉल्व पेपर हमने लिया और देखो ओपन ईजिली हो गया है ना। इस तरीके से आप ये ऐसे ही सारे के सारे जो पेपर हैं वो अच्छे से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम है और CBSE है तो फिर काफ़ी हार्ड पेपर भी आते हैं, तो इससे एक तरह का आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसे आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और जब आप घर पर बैठ कर खुद प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पेपर दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, और ये मत सोचिएगा कि केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। मैं एक आपको हिंदी मीडियम का भी SST का पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हिंदी मीडियम का ये पेपर है। ठीक है, SST का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, इतने सारा इसके अंदर मटीरियल है, CBSE आपको प्रोवाइड कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, और एक बात और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियोस जो है देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में जो अभी प्री बोर्ड का एक पेपर हुआ था तो उसके भी मैंने पार्ट्स में करवाए थे, तो पूरा इकट्ठा उसे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी देख सकते हैं है ना। और पुराने जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड कुछ पेपर चैप्टर कर रखे, जो शुरुआत वीडियो करी थी तो उसी से करी थी कुछ है ना, तो वो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ मैंने बनाई थी, तो आप कंपटीशन से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक अवेयरनेस मिलती है, नॉलेज मिलती है। और क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि अभी भी वो उसकी डेट है, तो इससे क्या होगा, जब आप कंपटीटिव के लिए जाएंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्विज कॉम्पिटिशन है ना, उसमें 300 सेकेंड दिए गए हैं आपको, उसमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी। और मैं पहले भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिलेबस से अनेक प्रकार की जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव जो है मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ है ना। तो और बाकी अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आप इसे ईजिली गेट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम जो मेरा चैनल है, ठीक है, ASC स्टार्टर के नाम से ही है। ठीक है, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोगों ने बना रखे हो ASC स्टार्टर के नाम से, तो आप जो है कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। तो आप लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो सीधा आप चैनल पर पहुँच जाएंगे, अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है टेलीग्राम तो। ठीक है, और तो आप इजिली जो है ये गेट कर पाएंगे, ठीक है, और आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है, और काफ़ी मोटिवेशनल कमेंट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आप भी, ठीक है, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, अपने अंदर बिल्कुल भी मत लाओ कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज़रूर करोगे। और पेपर इसलिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि भाई आपको थोड़ा आइडिया हो जाए पेपर कैसे हैं, है ना। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बहुत बातें हो गई, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।